सुनो, काफ़ी दिन हो गए हम घूमने नहीं चलते। आ डिनर करने चलें, प्लीज़ जल्दी आ जाना, आ डिनर करने चलते हैं। हाँ, मम्मी जी से मैं परमिशन ले लूँगी। हाँ, ठीक है, आप जल्दी आ जाना। मास्तु कति सिर पटने नो रास तो ना, कुछ करके मानने भाई, सिर तो तैयार हो जाती हूँ, ये आने वाले ही होगे। आज तो डिनर करने चाहेंगे, फटाफट से मम्मी की परमिशन मिल जाती है, तैयार होके। हम कोई तो दवाई दे दे, कति आज तो ये सर लेके मानेगा। क्या हुआ मम्मी जी, सर में बहुत दर्द हो रहा है? मैं आपको दवाई ला के देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी आपको दवाई ला के देती हूँ। पूछो ना, पूछो, पूछो। की बात बेटा, कहीं जान लग रही थी? नू तैयार हुई खड़ी तू? हाँ बता, कितनी जान लग रही थी? मम्मी बस मैं ये पूछने आई थी आपसे, क्या सब्जी बनाऊँ आज? नहीं कहीं नहीं जाने, बस वैसे तैयार हुई थी। अच्छी लग रही हो ना? हाँ जी, आप सब्जी बता दो। हाँ जी, मैं सब्जी बना, दाल बना ले। हाँ बस दाल रोटी खा लेंगे। हाँ, दाल बना लिए। हाँ, ठीक है बेटा, मुझे दाल बना ले। अभी बना देती हूँ खाना। हाँ जी, हाँ जी, दाल बना देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम बना रखा था, मेरे चक्कर में मना करके। हाय राम, ये सिर दर्द भी आज ही होना था। बेचारी वैसे पूरे दिन घर में रह, वह काम करे, आज कहीं मौका मिला था जाने का, आज ही मेरा सिर दर्द बीच में अड़ गया। देखूं जाके कुछ कर सकूँ तो इसके लिए। बहुत यार होने का, अब मम्मी की तबीयत खराब है, ये भी नहीं कह सकती कि मैं जाऊँ घूमने, और बहुत मन था। चलो फटाफट से खाना बनाती हूँ। ये भी आएंगे ना, इनको भी कह दूँगी मम्मी के सामने बात ना चलाएं, फिर मम्मी को लगेगा मेरी वजह से ना मैंने टाल करवा दी इनकी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। अच्छा, बहू ने बाहर जाने का प्रोग्राम बना रखा था बेटे के साथ, और राम मेरे चक्कर में मना कर दिया छोरी ने। गला दुखा रहा मेरे को तो, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। मैं कहूँ थी रहने दे सब्जी तो बनानी। क्या बात मम्मी जी, और कुछ खाना है? और कुछ बना दो आपके लिए। और आपका सर दर्द ठीक है अब? आप कमरे में आराम कर लेते ना। हाँ जी, मैं बना लूंगी खाना अपने आप। हाँ जी, हाँ जी, आपको कुछ अपने आप बना लूंगी। तू तैयार हो जा, कुछ ना मेरी सहेली आएगी घर पे, फिर अच्छा नहीं लगता ना तू ऐसे रहे। अच्छे से तैयार हो जियो। मम्मी एक बार मैं खाना बना लूँ, खाना बना के फिर तैयार हो जाती हूँ। हाँ जी, खाना छोड़ दे, मैं आपे बना लूंगी। तू तैयार होके आ जा, किसी भी टाइम आ सके वो, फिर अच्छा नहीं लगता घर की बहू बेटी ऐसे गंदी हालत में रहे। ठीक है मम्मी, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। हाँ जी। मम्मी को क्या हो गया, इतने डांट के तो मुझे कभी नहीं बोला। और कौन सी सहेली आ रही है, मैंने तो मम्मी की आज तक तो कोई सहेली नहीं देखी। चलो फिर भी तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो मम्मी को गुस्सा हो जाएगा। अच्छी लग रही है, आ गई तैयार होके। इतने आपकी सहेली आती है ना, इतने मैं खाना बना देती हूँ ना। खाना तो मैंने बना लिया, ले दो टिकट ले जा और चल यहाँ से जा। टिकट? और कहाँ जाने की बात करें मम्मी जी, कहाँ जाना है मुझे? आप तो कह रहे थे कि मेरी सहेली आने वाली है। कोई सहेली नहीं आने वाली, और मेरी जा, मेरा बेटा बाहर गाड़ी में तेरा इंतजार कर रहा। जाओ या मेरी वजह से प्रोग्राम कैंसिल कर दी पागल। क्यों हो गया अगर मेरे सिर में दर्द थोड़ा थोड़ा सा तो हो जाएगा ठीक? ये तो नू ही चलता रहा घरों में तो। जा तू ओके, फिर आपका सिर में दर्द, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लेते, मैं खाना बना के फिर चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। तुझे एक बार जा, मैं अपने और तेरे पापा ये खाना अपने आप बना लूंगी। जा तू घूम के आ, अब ज्यादा चीची करी ना तो हाथ पकड़ के छोड़ के आऊंगी तुझे। मम्मी जी, आप वर्ल्ड की सबसे अच्छी सासू हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। साथ है और ना नू ना प्रोग्राम कैंसिल किया कर, कुछ हो ना मन में तो बता दा कर। तू भी मेरी बेटी जैसी ही है, बेटी जैसी की तो मेरी बेटी ही है मेरे लड्डू। जा घूमा, मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखना और खाना भी टाइम से खा लेना, हम भी टाइम से आ जाएंगे। हाँ जी, ठीक है मम्मी जी, आई लव यू मम्मी।